नांगलोई जाट विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार सुमनलता शौके ने रोड शो के जरिए चुनाव प्रचार के अंतिम दिन क्षेत्र के मतदाताओं से जनसंपर्क किया, बीजेपी के हक में वोट देने की अपील की। नांगलोई जाट विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी सुमनलता शौकीन और नांगलोई जाट से बीजेपी के पूर्व विधायक मनोज शौकीन से बात की हमारे सहयोगी विश्वजीत झा ने। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस वक्त मैं नांगलोई इलाके में हूं और यहां देख सकते हैं कि बिल्कुल गलियों में बीजेपी का झंडा और लोग नजर आ रहे हैं। जो यहां की उम्मीदवार है बीजेपी की सुमनलता शौकीन, उन्होंने रोड शो निकाला है और आगे पीछे सिर्फ और सिर्फ लोगों की भीड़ नजर आ रही है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो पीछे आगे की तरफ दिखाएं। देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में लोग शामिल हैं। उम्मीदवार मैडम, क्या लग रहा है, आज आखिरी दिन है प्रचार का, कितना प्रचार कर पाए? हमें मौका मिला था 15 दिन का और हमने डोर टू डोर बहुत प्रचार किया है। आज हमने सुबह 11:30 बजे के करीब ये शुरू की थी पदयात्रा रैली, और जो है लोग अपने आप ही घरों से निकल निकल के जुड़ते गए। और ये हमारी बहनें महिलाएं, देख रहे हो आप कितनी सारी महिलाएं हैं, महिलाओं को इतना प्यार और इतना आशीर्वाद दे रही हैं। और हमारे भाई सब अपने अपने घरों से निकल करके नांगलोई विधानसभा से अपना पूरा समर्थन दे रहे हैं। पूरी नांगलोई विधानसभा से हमें पूरा समर्थन मिल रहा है। बच्चे, बुजुर्ग, माताएं, बहनें इतना आशीर्वाद दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ से 30-35 हजार की लीड से ये नांगलोई विधानसभा की जीत होगी। मैं कह रहा हूँ कि ये पहली बार महिला उम्मीदवार के तौर पर आप मैदान में हैं, महिलाओं से कुछ खास वादे भी किए होंगे आपने? महिलाओं से यही वादे किए हैं कि आपकी सुरक्षा का हम विधानसभा जाएंगे और सबसे पहले अपनी बहनों का, महिलाओं का हम वहाँ पे सुरक्षा का वो रखेंगे क्वेश्चन। चुनाव ये कहा जा रहा है कि मनोज शौकीन का ही है। चुनाव भारतीय जनता पार्टी का है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, राष्ट्रभक्त है, दूसरी तरफ सारी पार्टियां हैं जो लोगों को गुमराह कर रही हैं, भ्रम पैदा कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में भारी बहुमत से जीतेगी और नांगलोई विधानसभा उनमें से एक सबसे बड़ी जीत हासिल करने वाली विधानसभा होगी। क्या लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ माहौल बन गया, पूरी तरह तैयार कर लिया आप लोगों ने? काट की आंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। झूठ के बहकावे में एक बार लोग आ सकते हैं, बार बार नहीं आएंगे। लोग पहचान चुके हैं अरविंद केजरीवाल को कि उन्होंने दिल्ली को धोखा दिया, दिल्ली के विकास में बाधा डाली है। प्राथमिकताएं रखी है कि जीतने के बाद सबसे पहले क्या करवाएंगे? जीतने के बाद में यहाँ स्कूल भी बनवाना है, आर्किटेक्चर कॉलेज भी बनवाना है, यहाँ पर स्टेडियम है सूरजमल स्टेडियम, उसको इंडोर स्टेडियम बढ़िया बनवाना है, यहाँ पर एलिवेटेड रोड बनवाना है, यहाँ पर जो है बस टर्मिनल भी बनवाना है। बहुत सारे काम करने की जरूरत है, यहाँ पे सारे काम करवाएंगे। एक और चीज पूछ रहा हूँ कि क्या लग रहा है मुकाबले में कौन सी पार्टी है? ये हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरे तीसरे पे कौन रहेगी इसकी हमें चिंता नहीं है, जो मर्जी रहेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। मिलाकर ये मनोज शौकीन और उनकी पत्नी है सुमनलता शौकीन, जो कि यहाँ से बीजेपी की उम्मीदवार है, और यहाँ देख सकते हैं कि रोड शो निकला है। पूरी निहाल विहार इलाके में इस वक्त रोड शो घूम रहा है, गली गली में घूम रहा है, और यहाँ पर काफी जन समर्थन भी मिल रहा है, और इसलिए उम्मीदवार जीत का दावा कर रहे हैं। भीड़ साथ चल रही है, जनता साथ है, और इसलिए उम्मीदवार को ये लग रहा है कि यहाँ से ये भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है वो यहाँ पर लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है, और इसलिए जो चीज़ें हैं वो बीजेपी के पक्ष में जा रही हैं। ऐसा देख सकते हैं कि लोग नारेबाजी करते हुए काफ़ी तादाद में युवा हैं, महिलाएं हैं, जो कि रोड शो में यहाँ पर सड़क पर नजर आ रही हैं। निहाल विहार नांगलोई से कैमरा पर्सन पिंटू के साथ मैं विश्वजीत झा, टोटल न्यूज़ के लिए।